करवा चौथ के त्योहार पर महंगाई की मार के बावजूद बाजारों में भीड़। आज यानी 24 तारीख है और आज ही महिलाओं का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार जो कि करवा चौथ के नाम से जाना जाता है वो है। प्रथा है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कठोर व्रत रखती है और शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो उसको अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। देश की आधी करवा चौथ के त्योहार पर महंगाई की मार के बावजूद बाजारों में भीड़। आज यानी 24 तारीख है और आज ही महिलाओं का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार जो कि करवा चौथ के नाम से जाना जाता है वो है। प्रथा है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कठोर व्रत रखती है और शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो उसको अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का ये त्योहार उनके लिए सबसे पवित्र और खास माना जाता है। लेकिन आज के समय की बात करें तो कोरोना के बाद करवा चौथ के त्योहार पर महंगाई की मार के बावजूद बाजारों में भीड़। आज यानी 24 तारीख है और आज महिलाओं का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार जो कि करवा चौथ के नाम से जाना जाता है वो है। प्रथा है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कठोर व्रत रखती है और शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो उसको अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का ये त्योहार उनके लिए सबसे पवित्र और खास माना जाता है। लेकिन आज के समय की बात करें तो कोरोना के बाद पूरा देश जैसे रुक सा गया था और काफी समय के बाद अब लॉकडाउन खुल गया है और इसके खुलने के बाद के तत्काल बाद महिलाओं का ये त्योहार है। हालांकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, चाहे रसोई गैस की बात हो या फिर डीजल पेट्रोल की, सबके दाम अपनी चरम सीमा पर है। इसी का जब हमने बाजारों में जाकर रियलिटी चेक किया तो बाजारों में भीड़ तो है लेकिन कई दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की मार साफ देखी जा सकती है। कई दुकानदारों को अपने ग्राहकों का इंतजार है। स्वर्ण भूषण बेचने वाले दुकानदारों की दुकानें भी खाली है। जिस पर ग्राहक है भी तो उन्होंने सोने से दूरी बनाई हुई है। महिलाएं चांदी के ही आभूषण खरीद रही है शगुन के नाम पर। महिलाओं का साफ कहना है कि महंगाई की मार हम सभी पर है लेकिन त्योहार तो मनाना ही है। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले जो सामान कम का लेते थे वो आज काफी महंगा हो चुका है। लेकिन हाँ, सच तो ये है कि रसोई से लेकर खाने के तेल और सभी वस्तुओं के दाम आज आसमान छू रहे हैं और इनका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। अभी क्या नाम है आपका? रजनी देवी। अच्छा, आज कल करवा चौथ का त्योहार है, आप लोग साड़ी पसंद कर रहे हैं, क्या रेट की साड़ियाँ ले रहे हैं? हम 750 700 ले रहे हैं। 700-800 की। पहले कितने के लेती थी? महंगाई है क्या? जो महंगाई है ही भाई, पहले जो अभी 700 रुपए की ले रहे हैं हम, महंगाई नहीं है। वो पहले 400 में 500 में आ जाती थी, जो अब हम 700 रुपए की ले रहे हैं। मतलब हर चीज में महंगाई है, हर चीज में ही महंगाई है अंकल। ये बात तो आपकी सही है। ये बताइए, हर चीज महंगाई, घर का बजट भी गड़बड़ा गया होगा बहुत। नेक ना भाई, जब आप में कोई सब नहीं है, शक नहीं है, बहुत गड़बड़ाएगा वो, ऐसे मान लो। फिर कैसे खरीदारी? अभी मेरा बेटा 8 दिन भर्ती रख के लाया हूँ मैं अस्पताल से, प्राइवेट इलाज नहीं करा पाया मैंने, सरकारी में भर्ती कराया, परसों ही छुट्टी करा के लाया और बजट इतना खराब है, मैंने गल्ला बेच के आज पैसा खरीद लेके आया त्यौहार के बाद। आप खरीदारी कर? तब खरीदारी कर रही हूँ। बिल्कुल देखने को मिल रही है, काफ़ी महंगाई मार है और सोना चांदी दोनों बढ़े हुए हैं। जो सेल पहले थी वो सेल अब नहीं है, बहुत फर्क पड़ा है। जो भीड़ आप पहले ग्राहकों की, हाँ वो अब नहीं देखने को मिल रही है, पहले बहुत काफ़ी भीड़ रहती थी। महिलाएं वो अपना बजट देके कर रही है, पहले हमें और कुछ करना है, सोना चांदी बहुत महंगा है आज के टाइम में, उसे देख के महिलाएं अपना वो कर रही हैं, छोटा मोटा आइटम ले जा रही हैं। जो पहले ले जाती थी सोना चांदी का आइटम, बड़ा बड़ा वो नहीं ले रही है। शगुन कर रहे हैं। हाँ, शगुन के जो उन्होंने बिछिया लेने होते हैं, हल्के फुल्के बिछिया ले जाती हैं थोड़ी बहुत पहले, मतलब जो पहले जैसा कुछ नहीं रहा। महंगाई की मार बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की महंगाई है, मतलब हाँ अंतर तो है। इस समय इसलिए अंतर है कि इस समय डेंगू चल रहा है ना, कोरोना का सब तो कटा गया, चला गया, लेकिन अब इस समय हर घर में 1% डेंगू का है, इसलिए फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फर्क पड़ा है। जो पहले आता था, जो पहले हम लोगों की सेल होती थी, उसमें काफ़ी परसेंटेज अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। तो आप मानती हैं कि इस करवा चौथ के त्यौहार पर महंगाई हावी है? हाँ बिल्कुल हावी है, काफ़ी। और पहले बिक्री होती थी, अब वो आज पहले 5,000-10,000 तक की साड़ी बिकती थी, अब सिर्फ 1,500-2,000 तक की, उससे ऊपर की सेल नहीं हो रही है। लोग लेने आ रहे हैं लेकिन बजट के अनुसार, बजट कम हो गया उनका, बहुत बजट कम हो गया है। जो 1,000 बाई लेते थे वो 500 बाई लेने लगे हैं। 500 जी। क्या लगता है रसोई, जो आपकी रसोई है उस पर भी असर पड़ा है इस महंगाई? रसोई पे तो नहीं ज़्यादा असर पड़ा है, रसोई तो खाने में तो कोई नहीं, इतना मतलब नहीं है,
हाँ गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, जो मिडिल क्लास ज़्यादा लोअर क्लास उनको पे तो फर्क पड़ा ही है। नहीं, महंगाई की मार तो 100% है, क्योंकि कोरोना से 2 साल से ग्रसित हैं। पेट्रोल डीजल खाने पीने की हर चीज़ महंगी है। आदमी अपना जीवन यापन उससे पहले चलाएगा, साड़ी या कपड़ा तो बाद में खरीदेगा। क्या ये महंगाई है पूरी तरीके से? बिल्कुल महंगाई है। मैं तो चाहता हूँ महंगाई पे लगाम लगना चाहिए। आखिर क्या कर रहे हैं जो लगाम नहीं लग रहा है? नहीं, गवर्नमेंट की थोड़ी कमजोरी माने या राजनीति, लोगों की हर दल की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसके लिए हर दल को चाहिए कि हमको महंगाई पे अनशन करें या कुछ भी करें। मध्यम वर्ग का आदमी या रोज़ कमाने वाला आदमी जो है, उसे अपनी रोटी कमाना है, रोटी के लिए पैसा चाहिए, और वो नहीं हो पा रहा। कोरोना का मरा हुआ आदमी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। क्या सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है ये महंगाई की मार के? नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति मान लें हम इसको कि कमी मान लें, लेकिन हमें समझता हूँ कि कुछ प्रयास प्रशासन या शासन की तरफ से नहीं हो पा रहा है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। जब पहले लोग ग्राहक जो सामान खरीद लेते थे वो अब नहीं खरीद पा रहे हैं। चांदी और सोने दोनों का ही रेट बहुत हाई चल रहा है। पहले व्यापार अच्छा चल रहा था, अब डिमांड इलास्टिसिटी दोनों ही डाउन चल रहा है और महंगाई बढ़ती ही जा रही है दिन दिन। हाँ बिल्कुल मिल रही है देखने की, बहुत अच्छे स्तर से मिल रही है देखने की बात। पहले दुकानों पे भीड़ लगी रहती थी और अब ग्राहक देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए दुकान पूरी खाली पड़ी हुई है। लेकिन लोग फिर भी एक आध तो आता होगा तो वो कैसी खरीदारी करते? हाँ, थोड़ा बहुत त्यौहार तो चलता ही है। क्या लेता है? पायल, बिछिया, सोने का सामान अभी भी हर ग्राहक नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि सोना अपनी चरम सीमा पे और बहुत महंगा है। कहते हैं कि महंगाई जो है चरम सीमा पर है, हालांकि किस तरीके से महंगाई की मार करवा चौथ को लेकर है उसी पे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामिनी चौहान जी। आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के बाद ये पहला त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है ये? पति की लंबी आयु के लिए मनाते हैं सारी लेडीज, के हस्बैंड की लंबी आयु। कब है ये त्यौहार? ये 24 अक्टूबर, यही कल है। आज आप लोग खरीदारी यहाँ पे जी, क्या महंगाई की मार है इस त्यौहार पर? नहीं, महंगाई तो आप सभी लोग जानते हैं है ही ऑलरेडी, लेकिन कोई भी त्यौहार मनाना छोड़ता नहीं है ना, बेशक महंगाई हो लेकिन त्यौहार तो मनाते ही रहेंगे। बजट तो गड़बड़ाया है महंगाई। बिल्कुल, बजट तो सबका ही गड़बड़ाया है। पहले आप जो खरीदारी करते होंगी वो ज़्यादा पैसे की करते होंगी, हालांकि वो जो अब जो खरीदारी कर रहे हैं उसमें क्या अंतर आप देखने को मिलेगा? एक्चुअली अंतर कुछ भी नहीं है, हम लोग तो वैसे ही खरीदारी करते रहेंगे, लेकिन हाँ पहले से ना महंगाई काफ़ी है। पहले से महंगाई जी। रसोई का बजट गड़बड़ाया है जी, सभी का गड़बड़ाया है, रसोई का, गैस का, पेट्रोल का, ये तो सभी जानते हैं, सबका ही गड़बड़ाया हुआ है जी। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे जी। आंटी, क्या नाम, क्या 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 नाम है आपका? क्या नाम? सीमा यादव। कल करवा चौथ का त्यौहार है, आप खरीदारी कर रहे हैं, महंगाई का भी बढ़ गई है, इस करवा चौथ के त्यौहार पर महंगाई की मार है क्या आपके साथ? हाँ, हमारे लिए तो बहुत है जी। कितनी महंगाई है? हमारे बजट से काफ़ी ज़्यादा है। जो आपकी रसोई है उसका बजट गड़बड़ाया है क्या? हाँ, रसोई का भी गड़बड़ाया है। देखिए और भी महिलाएं बहनें हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। ब्यूरो के लिए मेनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कल करवा चौथ का त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है? पति की लंबी आयु के लिए। पति की लंबी आयु के लिए। हालांकि कोरोना के बाद लॉकडाउन लग गया था और पूरा देश बंद हो गया था, आज ये पहला त्यौहार है जबकि लॉकडाउन हट गया है और बाजारों में भीड़ है। भीड़ है बहुत। के लिए मेनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट। महंगाई तो काफ़ी हो गई है लॉकडाउन की वजह से, इसमें अंतर मिल रहा है देखने को। सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया, बजट गड़बड़ा गया। हाँ, बजट गड़बड़ा गया। त्योहारों पे असर आप देख रही है? हाँ, त्योहारों पे महंगाई बहुत कर दी, बहुत महंगाई हो गई, इससे लिया भी नहीं जा रहा है, ऐसे मान लो सबसे ज्यादा ये करे हुए हैं। ब्यूरो के लिए मेनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।